बाहुबली की कार की दुकान पे आएगा, मैं एक बार मौका जरूर दूंगा गाड़ी पर चढ़ने का, जो कोई नहीं देते। टेबल आने के बाद गाड़ी मरम्मत करके नहीं मिलता है, ये बाहुबली की जवान है, गाड़ी रिटर्न पैसा वापस, समझ गए फ्रेंड्स। चलिए, भारत में आपको किसी से कहीं नहीं मिलने का चीज है, हमारे यहाँ चार फैसिलिटी उपलब्ध है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल एस्केप में। तो फाइनली फिर पहुंच चुके हैं गुरुदेव ऑटोमोबाइल, जहां पे सेकेंड हैंड कार बेचा जाता है। और आप लोग इससे पहले इनका एक वीडियो और बनाए हुए थे, जो आप लोग बहुत प्यार आशीर्वाद दिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर हम बताने वाले हैं जितने गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, लगभग 6 गाड़ी स्कॉर्पियो से लेकर छोटा वाला गाड़ी, सब का हम फुल डिटेल बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में लास्ट तक। और फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस गुरुदेव ऑटोमोबाइल का जो शॉप है, कार बाज़ार है सेकेंड हैंड का, इनका लोकेशन बता देते हैं। तो इनका लोकेशन जो है फ्रेंड्स, सीतामढ़ी डुमरा जो है, और डुमरा में एक सरकारी आईटीआई है, जो देख सकते हैं सामने, ये सरकारी आईटीआई है इधर, इसी के सामने है, अपोजिट में है, और ये जो टाटा मोटर्स के बगल में भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, लोकेशन बता दिए हैं उस, और अगर ज़्यादा लोकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम है कौन कौन गाड़ी है जो देख सकते हैं, एक ये है स्कॉर्पियो यहाँ पर लगा हुआ है, और एक वहाँ पर लगा हुआ है, और 3 गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, इसके बाद और नेक्स्ट फील्ड में खड़ी है, सबको हम डिटेल बताने वाले हैं। तो बने रहे तो फ्रेंड्स, एक ये है स्कॉर्पियो जो लगी हुई है, तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम फुल डिटेल बताएंगे। तो पहले आप लोगों को सब चारों तरफ से दिखा देते हैं इसका हम, तो देख सकते हैं इसका टायर देख लीजिए आप लोग, टायर कुछ इस प्रकार से है इसका। इसके बाद साइड से भी दिखा देते हैं, इसके बाद साइड वाला पीछे वाला ये टायर है आपको, उसके बाद पीछे का लुक दिखा देते हैं, पीछे का लुक ये है फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स हम अंदर का लुक दिखा देते हैं, देख सकते हैं ये अंदर का लुक है इसका, और जो देख सकते हैं आपको पीछे का ये है इसका सीट उट, और यहाँ पर देख सकते हैं एसी, और आपको म्यूजिक सिस्टम पूरा कंप्लीट मिलेगा, यानी पूरे रेडी में मिलेगा आपको। देख सकते हैं ये हो गया क्लच बट एक्सीलेटर हो गया आपको, ये हो गया आपको अंदर का ये सीन कुछ इस तरह से है, जब लोग दिखाई दिया। फ्रेंड्स, अभी जो स्कॉर्पियो देखा है इसका फुल डिटेल बताते हैं। इधर आइए भाई जी, सबसे पहले इस भाई जी को मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए भाई जी, इधर आइए थोड़ा आगे से, जो दिखा रहे हैं आप लोगों को ये स्कॉर्पियो जो दिखा है फुल, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये हम जानना चाहते हैं भाई जी से, ये भाई जी ये बताइए, ये कितने किलोमीटर चली है स्कॉर्पियो? 38,000 किलोमीटर। और ये कौन सा मॉडल है? 18 मॉडल है, तो S3। फ्रेंड्स बता दे, और किलोमीटर कितना बताया है इसका? 38,000। इसका फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है? फर्स्ट ओनर है, ये भी फर्स्ट ओनर है फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, ये हम भाई से जानना चाहते हैं इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस 990 है। इसका 990 पड़ेगा फ्रेंड्स इस स्कॉर्पियो का, जो आप लोगों को चारों तरफ से दिखाया है। और इंश्योरेंस और फाइनेंस के बारे में हम भाई से जानना चाहते हैं, फाइनेंस इंश्योरेंस क्या अवेलेबल है यहाँ पे? हाँ है, इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, फाइनेंस भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सभी गाड़ी पर इंश्योरेंस और फाइनेंस हो जाएगा गुरुदेव ऑटोमोबाइल, जो बहुत अच्छी गाड़ी यहाँ से दिया जाता है, और काफ़ी लोग आते हैं और ख़रीद के भी जाते हैं। एक कस्टमर जो अभी अंदर गए हैं, वो भी इस स्कॉर्पियो को परचेज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है नेक्स्ट गाड़ी हम दिखाते हैं, तो बन रहे इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है इस देख सकते हैं, ये है एक छोटा सा कार, इसको हम चारों तरफ से दिखाते हैं, इसके बाद हम पूछताछ करेंगे। इसके टायर जो देख सकते हैं, इसका टायर ये है, और इसका जो है पीछे वाला टायर ये है, पीछे वाला टायर ये है, और इसका जो पीछे से लुक कुछ इस प्रकार से है,
और फ्रेंड्स अब जो है अंदर का सीन दिखाते हैं, अंदर का सीन कुछ देख सकते हैं। ये है इसका इंटीरियर, इस गाड़ी के अंदर का इंटीरियर है जो इसमें आपको एसी म्यूजिक सिस्टम सभी कंप्लीट मिलेगा। और इसके अंदर जो देख सकते हैं सब कुछ ओके मिलेगा आप लोगों को। और इसके पीछे कुछ सीन इस प्रकार से है। तो चलिए फ्रेंड्स अब जो है इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे भाई जी से। हम दिखाए हैं इस कार को, छोटा वाला को, इसके बारे में जानकारी लेते हैं भाई जी। ये बताइए ये कौन सा कंपनी का गाड़ी है, कौन मॉडल है ये? अल्टो है, सुजुकी का माल। ये अल्टो सुजुकी है, 800 है, 800 है। और ये कौन मॉडल है? 18 मॉडल है ये, 18 मॉडल है फ्रेंड्स। और ये बता दे, और ये फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है? फर्स्ट ओनर। ये फर्स्ट ओनर है, कितने किलोमीटर चली हुई है? 26,000 किलोमीटर चली हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका दाम हम भाई से जानकारी लेते हैं, इसका दाम 2,70,000। ये इस 800 का 2,70,000 रुपया दाम है। और चलिए फ्रेंड्स फिर हम नेक्स्ट गाड़ी दिखाते हैं, हम लोगों को बने इस ब्लॉग में। और फ्रेंड्स एक ये है कार लगी हुई है, चलिए फिर हम आगे पीछे के लोग दिखाते हैं। इसके बाद सब हम दिखाने वाले हैं। इसका टायर इस प्रकार से कुछ है, और इसके पीछे का टायर कुछ इस प्रकार से है। और इस कार को देख सकते ZXi है, पीछे से लुक इस प्रकार है। अब हम इसको खोल के दिखाएंगे अंदर का सीन। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके अंदर के हम सीन दिखाते हैं। देख सकते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम और एसी सभी कंप्लीट मिलेगा जो देख सकते हैं। इसे पहले ब्रेक है, क्लच है, ब्रेक है, एक्सेलेटर है। और इसके देख सकते हैं इस तरह से मीटर है। और इसके बाद एसी उसी लगे हो यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे का सीन कुछ इस प्रकार से है, पीछे का लुक ये है। चलिए फ्रेंड्स अब जो है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे भाई जी से, बने रहिए इस ब्लॉग में। जो दिखाया है इस कलर का जो कार दिखाया है इसके बारे में भाई जी से जानकारी लेना चाहेंगे। भाई ये बताइए कौन सी कंपनी गाड़ी है? सुजुकी की है, मारुति की है। मारुति सुजुकी की ये कार है, रियो के नाम से जाना जाता है। और ये फ्रेंड्स बता दे भाई जी से जाना चाहेंगे ये कौन मॉडल है? ये 18 का लास्ट है, 18 का लास्ट मॉडल है। और फ्रेंड्स ये हम भाई कितने रुपये प्राइस पड़ता है इसका? 4,20,000। इसका 4,20,000 पड़ेगा। और वो फ्रेंड्स और फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है? फर्स्ट ओनर। ये भी फर्स्ट ओनर है फ्रेंड्स। और कागज़ पत्र में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कागज़ पत्र में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है गुरुदेव ऑटो मोबाइल में। तो बने इस ब्लॉग में। फिर तीन गाड़ी और है फील्ड में, उसका फ्रेंड्स बता दें यही फील्ड में तीन गाड़ी खड़ी है जो तीनों स्कॉर्पियो है और सब बिकने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे गाड़ी लगी हुई है और सभी का हम बारी बारी से एक्सप्लोर करने वाले यानी बताने वाले हैं। तो बन रहे हैं ये है स्कॉर्पियो जो आप लोग देखिए, और चलिए इसके हम टायर दिखा देते हैं आप लोगों को। टायर हो गया, इसके बाद हो गया पीछे का टायर हो गया ये। अब इसके बाद पीछे से लुक हम आप लोग दिखा देते हैं, पीछे से लुक है ये। और चलिए फ्रेंड्स अब जो है इसके अंदर का हम दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब जो है इसके अंदर का हम सीन दिखाएंगे यानी लुक दिखाएंगे इसके इंटीरियर का। जो देख सकते हैं ये हो गया क्लच, ब्रेक, एक्सेलेटर। और इसके जो है एसी और म्यूजिक सिस्टम सब ओके होगा, एसी म्यूजिक सिस्टम सब ओके मिलेगा आप लोगों को। देख सकते हैं इसका ये हो गया इसका एसी और हो गया ये। और इसका जो देख सकते हैं ये हो गया इसका मीटर। और देख सकते हैं फ्रेंड्स पीछे से आप लोगों को दिखा दे, पीछे से आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, सीट कवर भी लगे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब जो है इसके बारे में भाई जी से जानकारी लेना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स बता दे ये भाई जी से हम जानना चाहते हैं कि ये कौन मॉडल है स्कॉर्पियो का? 12 मॉडल है ये, 12 मॉडल है स्कॉर्पियो का। और ये M2DI है। और फ्रेंड्स ये जानना चाहते हैं भाई जी से कि कितने किलोमीटर चली हुई है? 1,00,000 के आसपास। ये आप लोगों को बता दें 1,00,000 के आसपास चली हुई है। और इसका प्राइस 4,20,000। इसका प्राइस है 4,20,000 रुपया फ्रेंड्स। और ये फर्स्ट ओनर है कि सेकंड है? फर्स्ट है। ये भी फर्स्ट ओनर मिलेगा फ्रेंड्स आप लोगों को। और ये बता दें रजिस्टर्ड के बारे में जानते हैं? सीवर। और ये फ्रेंड्स ये प्लेट नंबर जो देखे हैं सीवर नंबर प्लेट है। चलिए फ्रेंड्स फिर हम जो है आप नेक्स्ट गाड़ी का एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स, एक और स्कॉर्पियो है और दिखा दे आप लोगों को आगे से लुक कुछ इस प्रकार से है।
और पीछे से हम दिखाएंगे, इससे पहले आप लोग को टायर दिखा दे, टायर ये है। और चलिए फिर हम पीछे का टायर दिखाते हैं इस स्कॉर्पियो का, कुछ इस प्रकार से है पीछे का टायर। और पीछे से लुक आप लोगों को दिखा दे, पीछे से लुक ये हुआ आपको। और इसके अंदर का हम लोग दिखाते हैं अब, भाई जी हट जाइए आप, लुक है। और आप लोगों को इसमें भी पूरा कंप्लीट मिलेगा। और पीछे का सीट कवर जो देख सकते हैं, ये है पीछे का सीट कवर ओवर। चलिए फ्रेंड्स, अब जो इसके बारे में भाई जी जानकारी लेते हैं बने इस ब्लॉग में। चलिए फ्रेंड्स, अभी जो दिखाएं स्कॉर्पियो, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, भाई जी से हम जानना चाहते हैं, ये स्कॉर्पियो का S2 मॉडल है, S2 है, और ये कौन मॉडल है? ये 16 मॉडल है ये स्कॉर्पियो। और फ्रेंड्स बता दे कितने किलोमीटर चली हुई है? किलोमीटर तो अभी तो आया ही है। और ये किलोमीटर अभी मतलब आई है गाड़ी, इसीलिए अभी इनको मालूम नहीं है। और फ्रेंड्स बता दे, और कितने प्राइस का ये है? सात लाख के आसपास में आपको इस स्कॉर्पियो को सेल हो जाएगा, यानी दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अभी ये नया है, इसीलिए कुछ बताने में प्रॉब्लम हो रहा है। और चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो है एक स्कॉर्पियो और है भी लाल वाला, तो चलिए हम देखा फ्रेंड्स हैं। एक ये जो है रेड कलर की स्कॉर्पियो है और बहुत मस्त है, तो देख सकते हैं। और इसका जो हम पहले सभी कुछ दिखा देते हैं चारों तरफ से, और इसके बाद जो है आप लोगों को हम पूछताछ करेंगे। तो देख सकते हैं इसका टायर कुछ इस प्रकार से है, और पीछे का टायर जो है कुछ इस प्रकार से है। और पीछे का लुक दिखा दे आप लोगों को, पीछे का लुक कुछ ऐसा है। अब इसके अंदर का इंटीरियर हम दिखाते हैं, खोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है इसके अंदर का हम लुक दिखा दे, देख सकते हैं ये जो है आपको क्लच ब्रेक एक्सेलेरेटर मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे इसका जो है, और देख सकते हैं इसका ये मीटर है। और इसके बाद फ्रेंड्स बता दें, यहाँ पे AC है और म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ पर गियर हो गया इसका। और देख सकते हैं यहाँ पे इसके पीछे का लुक, सीट कवर भी सब इसमें लगे हुए हैं। और देख सकते हैं इसके पीछे का लुक इस प्रकार से है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है इसके बारे में भाई से जानकारी लेते हैं। तो अब जो ये देखे हैं रेड वाली स्कॉर्पियो, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं भाई से। इधर आइए, ये S4 है स्कॉर्पियो का। जी S4 है स्कॉर्पियो का फ्रेंड्स। और बता दें ये कितने किलोमीटर चली हुई है? 80,000 किलोमीटर। ये 80,000 किलोमीटर चली है फ्रेंड्स। और इसका प्राइस? इसका प्राइस 8,90। 8,90 इसका पड़ेगा, यानी 8,90,000 रुपये फ्रेंड्स। और बता दें ये फर्स्ट ओनर है कि सेकेंड ओनर? फर्स्ट ओनर, ये भी फर्स्ट ओनर मिलेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये 2017 मॉडल है स्कॉर्पियो जो है। इस कार के ओनर से हम बात कराएंगे, तो बने इस ब्लॉग में, चलते हैं फिर ऑफिस में और बात कराते हैं। आप लोगों को सभी गाड़ी हम दिखा दिए हैं, अब जो है गुरुदेव ऑटोमोबाइल्स के ओनर से हम बात कराएंगे। और चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, जो देख सकते हैं अंदर बैठे हुए हैं। तो चलते हैं ऑफिस में, हम हैं कुछ कस्टमर यहाँ पर आए हुए हैं स्कॉर्पियो खरीदने के लिए। और ये सर है गुरुदेव ऑटोमोबाइल का, तो चलिए हम बात कराते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी जो हम दिखाए हैं आप लोगों को, ये लोग यहीं से स्कॉर्पियो परचेज करेंगे। स्कॉर्पियो परचेज कर रहे हैं, स्कॉर्पियो ले रहे हैं ये लोग। इसके बारे में क्या जानकारी देते हैं इस गुरुदेव ऑटोमोबाइल्स जो सेकंड जहाँ पे कार बिकती है, क्या बताना चाहते हैं आप? किस तरह से मतलब आए हैं और किस तरह से आपको संतुष्टि मिला है? यूट्यूब के माध्यम से आए हैं, संतुष्टि मिला है यहाँ, बहुत अच्छा लगा। और इस कार शॉप के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं, यूट्यूब से? नहीं, अच्छा है ये कार शॉप, हर जगह से अच्छा है। जो आप लोग खुद बोले हैं जो स्कॉर्पियो यहाँ से परचेज किए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स अब जो है, चलिए फ्रेंड्स अब जो है बाहुबली सर से हम मिलवाते हैं। और सबसे पहले बाहुबली सर को मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, इसके पंडित चैनल को बाहुबली का साल की हार्दिक शुभकामना। बैठ जाइए। अब सर से हम ये जानकारी लेना चाहते हैं, सर ये बताइए अभी आप सीतामढ़ी में कितने कार सेल कर चुके हैं अभी तक विगत में? वैसे तो मैं सीतामढ़ी जिला का सबसे पुराना सीतामढ़ी जिले का सबसे पुराना मैं सेलर हूँ। गुरुदेव ऑटोमोबाइल एंड कार बाजार जो है, सो विगत 12-13 सालों से मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। सीतामढ़ी में कोई पैदा भी नहीं लिया था। और सर ये हम जानना चाहते हैं कि नेपाल से और लगभग जो सीतामढ़ी जिले से लगभग यूट्यूब देख के बहुत कस्टमर आते हैं और संतुष्ट होकर जाते हैं। जी देखिए, नेपाल से भी आते हैं। अभी आपने जस्ट एक हमारे कस्टमर आए थे, बहुत दूर से आए थे, और आई से आए थे, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और संतुष्ट होकर अभी हमारे पास उन्होंने एक गाड़ी का
स्कॉर्पियो है जो आपने दिखाया होगा लाल कलर का, जी जी दिखाया, जी जी, उनका अभी जस्ट उन्होंने बुकिंग करके ही गया है। जी जी। तो कहने का सेंस है हमारे पास जो आते हैं सो खाली हाथ जाते नहीं है, मैंने पहले भी कहा है और अवनीश चंद्र के भी वीडियो में मैंने कहा था और नवनीत जी के भी वीडियो में कहा था और आप एज अ प्रेजेंट आपने देखा है और आप उनसे इंक्वायरी भी किए होंगे या कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जानकारी दिए हैं जिससे पहले आप लोग दिखाए हैं जो कुछ लोग आए थे यहाँ पर परचेज करने के लिए। सर सीतामढ़ी शहर के कस्टमर को बहुत कम को देते हैं गाड़ी, हमारा अधिकतर कस्टमर सऊदी अरब, दुबई और आपको सिवान छपरा का है। और चलिए फ्रेंड्स, सर से ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पुरानी गाड़ी खरीदने का भी हैसियत नहीं रखता है, जी जी जी, अगर वह मेरे शोरूम पे आएगा, बाहुबली की कार की दुकान पे आएगा, मैं एक बार मौका जरूर दूंगा गाड़ी पर चढ़ने का। और ये बताइए सर कि इंश्योरेंस और फाइनेंस अवेलेबल है? इंश्योरेंस में क्या है कि बहुत सारी गाड़ियाँ फिनांस पे जो गाड़ियाँ जाती है, जी जी, उसका इंश्योरेंस कस्टमर के नाम से फुल इंश्योरेंस कराना होता है। जी जी। और बहुत सारे गाड़ियाँ हैं जो मैं परचेज करता हूँ जिसका किसी का कस्टमर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए होते हैं, तो उस कंडीशन में जो है जो कस्टमर गाड़ी लेते हैं उनको इंश्योरेंस करवाना होता है। और चले फ्रेंड्स, और फाइनेंस भी होता है? फिनांस तो फाइनेंस कितने कम से हो जाता है? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि बाजार में बहुत सारे लोग कहते हैं 30% में हम करते हैं, 25% में करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है किसी की औकात है कि 30 और 25% में कर दे, क्योंकि नई गाड़ी जब 80-90% पे होता है इंश्योरेंस आईडी वैल्यू का, मान लिए मैं अभी गाड़ी बेच रहा हूँ 8 लाख रुपया में, ठीक है, उसका इंश्योरेंस आईडी जैसे मैंने अभी 8 लाख में इस गाड़ी को सेल आउट किया है सर, इसका आईडी वैल्यू आ रहा है 5,41,000 रुपया, आप देख लीजिए इसका आईडी वैल्यू आ रहा है 5,41,000 रुपया, अगर कस्टमर को मैं 5 लाख लोन करवाऊंगा तो सर इसका कितना परसेंट आएगा सो आप बताइए। सही बात बोल रहे हैं सर, जो है सही बात बोल रहे हैं, नहीं हो सकता है क्योंकि मैं 8 लाख में बेच रहा हूँ ना, और चलिए 8 लाख में 5 लाख रुपया लोन कराया तो 3.5 लाख रुपया कितना परसेंट डाउन पेमेंट आ गया सर। तो चलिए फ्रेंड्स, कि सर ये बताइए आप किसी भी जो भी लेना चाहते हैं कम से कम कितने प्राइस में गाड़ी उनको दे सकते हैं? हमारे पास 3,75,000 में स्कॉर्पियो उपलब्ध है, 10 मॉडल M2DI है। और छोटा वाला में? छोटी कार में अभी तत्काल में तो हमारे पास ऑल्टो है जो मार्केट में 18 मॉडल बाजार में लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं 3,75,000, मैं 2,65,000 में दे रहा हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, सर से ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जो पिकअप मैजिक ट्रैक्टर जो सेकंड जो लेना चाहते हैं इसके बारे में कुछ? हाँ, ट्रैक्टर हमारे पास उपलब्ध रहता है, अभी भी मेरे पास स्वराज की 735 ट्रैक्टर उपलब्ध है, 2019 मॉडल उपलब्ध है और पूरे मार्केट में अब तहलका मचा कर 3.5 लाख रुपया प्राइस, मात्र 900 किलोमीटर घंटा चला हुआ। और चलिए फ्रेंड्स, सर से हम ये भी जानकारी लेना चाहते हैं कि जो भी 4 चक्का में सेकंड मिलता है या कोई खरीदना चाहते हैं वो सभी कार आप यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वेटिंग में हमारे पास अभी भी कस्टमर हैं जो 15 फरवरी तक वेटिंग चल रहा है मेरे यहाँ। जी जी, औरों की तरह नहीं है सर जी। यानी फ्रेंड्स, आपको जब लेना है कोई भी गाड़ी हो सेकेंड हैंड, यहाँ पे आइए एक बार और यहाँ पे नाम दर्ज करके जाइए, वो आप तब मिले। और एक बात और बता देंगे आपके दर्शक को, हमारे यहाँ 4 फैसिलिटी उपलब्ध है जी जी, जो कोई नहीं देते हैं, सिंगल बाहुबली की कार की दुकान छोड़कर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। पहला फिनांस अवेलेबल है, दूसरा एक्सचेंज या सेल दोनों उपलब्ध है हमारे पास, मैं परचेज भी कर सकता हूँ, आप एक्सचेंज करना चाहेंगे तो एक्सचेंज भी होगा। तीसरा नंबर, गाड़ी का मैं वारंटी नहीं देता हूँ, गारंटी देता हूँ। समझ गए फ्रेंड्स, वारंटी नहीं गारंटी, इसका मतलब समझते होंगे आप लोग पूरी तरह, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। गाड़ी में ट्रेबुल आने के बाद गाड़ी मरम्मत करके नहीं मिलता है, ये बाहुबली की जवान है, गाड़ी रिटर्न पैसा वापस। समझ गए फ्रेंड्स, चलिए भारत में आपको किसी से कहीं नहीं मिलने का चीज है। अब जो है सर से हम कुछ एक्सटर्नल जानकारी लेना चाहेंगे सर, और कुछ पब्लिक को हम जानकारी देना चाहेंगे, कभी भी गाड़ी अच्छी जगह से खरीदे, हमारे यहाँ से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ से ही खरीदे, लेकिन कभी भी आप लोग कहीं भी गाड़ी खरीदे अच्छी जगह से खरीदे, जहाँ विश्वसनीय हो, रेट उचित हो, और आप लोग कहीं भी गाड़ी खरीदे भाई तो इंश्योरेंस का वैल्यू चेक करे, क्या इंश्योरेंस वैल्यू है कि नहीं, एक्सीडेंटल गाड़ी ना ले, चेचिस प्रिंट जरूर देखें कि चेचिस कैसा है नहीं है,
नहीं तो आप ही लोग के तरफ या लोग ठगा जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है कि गाड़ी हमने फलना जगह से लिया और ऐसा हो गया। अगर आपके दर्शक कोई भी जो मेरे यहाँ से गाड़ी लिए होंगे आपकी वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट में जरूर एक बार डालें कि बाहुबली की कार की दुकान से उन्होंने गाड़ी खरीदा है और कैसा गाड़ी उनको मिला है और संतुष्टि कैसी है उनकी। ये मैं सभी आपके दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है मुझसे जो भी छूट गया होगा इसके लिए सॉरी। वैसे सर पूरे क्लियर कर दिए आप लोगों को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में बने इस ब्लॉग चैनल पर, एसके अपने ब्लॉग पर। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करें एसके अपने ब्लॉग्स। प्लीज सब्सक्राइब।